सो गाइस कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस यूपीआई को लेके बहुत सारा वीडियो हो गया, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक अलग टाइप का वीडियो यूपीआई को लेके बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा देखा जाए तो बहुत सारा यूपीआई ऐप है जिसके अंदर से हम यूपीआई आईडी को यूज़ करके अपना ट्रांजेक्शन जो है कम्प्लीट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं जो करने वाला हूँ कि ऐसा बहुत सारा जो ऐप्स है उसके अंदर से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूपीआई आईडी बनता है, मतलब जो हर तरह का ऐप है उसके अंदर का यूपीआई आईडी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। बहुत सारा ऐप के अंदर जिस तरह से यूपीआई आईडी बनता है तो एक एक करके ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर है और कौन सा सबसे ईजी है। तो ऐसा बहुत सारा ऐप है, जैसा हो गया फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे, ऐसा बहुत सारा ऐप है जिसके अंदर से हम यूपीआई आईडी को यूज़ करके पेमेंट करते हैं। तो एक एक करके साइन अप करेंगे एंड यूपीआई आईडी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे सबसे ईजी कौन ऐप के अंदर यूपीआई आईडी क्रिएट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, मैं हूँ सुजबन आपके साथ, आप देख रहे हो टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं, ये प्रोसेस ट्राई करेंगे गूगल पे के ऊपर। तो गाइस अगर यहाँ पर आपको कुछ भी स्क्रीन पर ब्लैक दिखाई दिया, मतलब नहीं दिखाई दिया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए गूगल पे हाइड करके रखता है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड में भी काम नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले मैं गूगल पे के ऊपर जाता हूँ। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर देना है। तो यहाँ से मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद हमें नेक्स्ट करना होगा। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से, मतलब ये जो पेन वाला साइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चेंज टू गूगल अकाउंट, आपका अगर ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ओटीपी आने में। तो अगर ओटीपी आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। बस मेरा ओटीपी आ गया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर चेकिंग ओटीपी हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हो गया। तो उसके बाद आपको ये सारा कुछ पूछेगा कि आप अपने फ़ोन लॉक जो स्क्रीन है उससे अपना गूगल पे को ऑन करना चाहते हो या खुद का एक पिन सेट करना चाहते हो। तो मैं खुद का पिन सेट करना चाहता हूँ तो कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको चार डिजिट का पिन देने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर चार डिजिट का पिन आपको दे देना है। देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आप नया यूज़र हो तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको बोला जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, तो ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपको परमिशन देना होगा, मैसेज का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन मैंने दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपके ऊपर अगर जीमेल आईडी पर आपको फोटो होगा तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक अकाउंट बैलेंस कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ से आपका पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड है, यहाँ पर ऑफर है और यहाँ से आप इन्वाइट करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ये ऑफर चेंज होते रहता है, कुछ दिन पहले ये 201 था, अभी ये 101 हो गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक बार आऊँगा इसी तरह करके नीचे। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो के ऊपर एक बार क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखा दे रहा है। इस ईमेल आईडी पे मेरा पहला अकाउंट था, तो अगर थोड़ी सी कोई गलती हो जाती है मुझसे तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो मैं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड करूँगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम पेमेंट बैंक, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल का परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिए। देने के बाद आपको जिस नंबर से आपका गूगल पे खुला है उस नंबर से ही बैंक आपका वेरीफाई रहना चाहिए। तो अगर है तो सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा वेरीफाई होने में बैंक की तरफ से, उसके बाद आपका गूगल पे ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मतलब जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हो ना, ये देखो मैसेज आ गया यूपीआई आईडी क्रिएट हो गया। तो इतना इजी है। जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हो वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपना जो ईमेल आईडी है आपके मन के हिसाब से रख सकते हो या तो फिर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो सब फंडा नहीं मिलेगा, आप सीधा अपना फ़ोन नंबर दीजिए, लॉगिन कीजिए, उसके बाद बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, बस गूगल पे खुद से आपका यूपीआई आईडी बना देगा। जैसे यहाँ पर ऊपर मेरा यूपीआई आईडी आपको शो हो रहा है, मैसेज में कुछ यूपीआई आईडी गूगल का होता है, गूगल पे का। तो यहाँ से आप और भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके ऊपर आपको पेमेंट मेथड जो है, यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो में क्लिक करना है, पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप ऐड बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, यहाँ से आपका जो भी बैंक है आप सर्च करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस है और अलग से कोई सा भी यूपीआई आईडी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, गूगल पे आपको खुद से यूपीआई आईडी क्रिएट करके दे देगा। तो चलिए आप चलते हैं फ़ोनपे की तरफ और देखते हैं उसका प्रोसेस कैसा रहता है।
मुझे दिखा रहा है कि प्रोसीड टू लॉग इन, तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पासवर्ड देने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 डिजिट का पासवर्ड। अगर आपका नया अकाउंट है तो इस तरह से ही बनेगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। तो यहाँ पर लेटर कर देता हूँ मैं इसको। करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका UPI ID कैसे बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा अगर email ID में, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका ये देखिए भीम UPI ID के अगर ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं शो करेगा अगर आपका नया फ़ोन पे है तो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आना है ये जो ऑप्शन है नीचे माई मनी, इसके ऊपर आने के बाद आपको बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सर्च करना है, मैं सर्च करता हूँ Paytm Payments Bank, तो मेरा Paytm का है तो मैं सर्च करता हूँ Paytm Payments Bank। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से आप अपना जो UPI पिन है उसको भी चेंज कर सकते हो। अगले वाले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि UPI पिन चेंज करने का जो प्रोसेस है, जो फंडा है, वो अलग अलग ऐप में किस तरह से होता है, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आपको UPI ID मिल गया है, ये फ़ोनपे का UPI ID है। जो गूगल पे का है वो और जो फ़ोनपे का है दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां से देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हो कि व्हाट इज भीम UPI ID, ये कैसे काम करता है, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको यहां पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे लैंग्वेज है, यहां पर देख लीजिए, बंगाली में भी आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो मैं छोड़ देता हूं इसको, बैक करता हूं। तो आप अगर आप चाहते हो कि और बैंक अकाउंट ऐड करना, तो यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि गूगल पे का जितना इजी है, फ़ोन पे का भी उतना इजी है। आप इस तरह से अपना UPI ID फ़ोन पे और गूगल पे में तैयार कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को मैं और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा दिया कि गूगल पे और फ़ोन पे की मदद से आप UPI ID कैसे बना सकते हो। ऐसा बहुत सारा ऐप है, कुछ थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी ऐप को अगर इग्नोर मारो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें पैसा चला जाता है, उल्टा कोई आपका मतलब कमाई नहीं होती। तो मुझे इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि गूगल पे वर्सेस फ़ोन पे किसके अंदर से आप इजीली अपना UPI ID जो है क्रिएट कर सकते हो, और भी बहुत सारा ऐप है उसके अंदर से ही बिल्कुल आसान से आप अपना UPI ID क्रिएट कर सकते हो। फिर तो आज के ज़माने में गूगल पे और फ़ोन पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों ऐप के अंदर से दिखाया। अगर मैं और भी ऐप को लेकर बात करूँगा आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये दोनों प्रोसेस आप देख लो, आई होप सब कुछ आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो वैसे यही था फुल एंड कम्प्लीटली फंडा। आई होप सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल गया होगा कि कौन से ऐप से आप बेहतर तरीके से अपना UPI ID क्रिएट कर सकते हो एंड उसको यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि आपको समझाना कि कौन से ऐप के अंदर किस तरह UPI ID बनाया जाता है और कौन से ऐप के अंदर UPI ID किस तरह से काम करता है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नीचे मेरे चैनल टेकन को सब्सक्राइब किया ज़रूर कर देना। तो अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।